नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डायफनबेकिया के बारे में। मैंने इसकी छोटी सी कटिंग्स ले आई हूँ मैं पास में से ही। देखिए, इस तरह की जो टाई मीन्स गांठ होती है जिसमें जड़ें निकली हुई होती है साइड में से, मैंने उसकी कटिंग ले ली है। इस तरह का हिस्सा हमें इसके मेन प्लांट में से कट करना है। आप चाहे तो उसकी जो मोटी वाली डंठल होती है उसमें से भी कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए इस बार मैंने प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लास्टिक के पॉट्स का यूज़ करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे एकदम रिजनेबल प्राइस में प्लास्टिक के गमले यहाँ पे मिल चुके हैं। तो प्लास्टिक के गमलों में वैसे तो प्लांट्स अच्छे नहीं चलते हैं, क्योंकि उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। मिट्टी के गमलों में अच्छे से पानी ड्रेनेज हो जाता है। यहाँ देखिए, मैंने ड्रेनेज के लिए काफ़ी सारे होल बनाए हुए हैं और इन होल्स में से हमारी मिट्टी निकल नहीं जाए, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी इस तरह का टुकड़ा रखना है। आप चाहे तो कॉटन का कोई भी टुकड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ जो हमें सामान में कैरी बैग मिलता है उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो ख़ास याद रखें दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्रेनेज होल का अच्छे से ख्याल रखें। एक या दो ड्रेनेज होल से हमारी मिट्टी यहाँ पे चिपचिपी या फिर फंगस वाली हो सकती है। मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में वो भी दिखाऊंगी। ऐसे गमले भी है मेरे पास जिसमें मैं भूल गई हूँ या कम ड्रेनेज होल किया है। देखिए, तो इस तरह से हम डबल करके भी इस तरह से हम रख सकते हैं, पर यहाँ पे छोटा गमला है इसलिए मैं एक ही परत रखूँगी। तो इसको मैं बीच में से वापस कट कर लूँगी। तो इस तरह का कोई भी टुकड़ा, कपड़े का पतला टुकड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐसे कैरी बैग सारे इकट्ठा करके रखती हूँ और गमलों में नीचे रख देती हूँ ज़्यादा होल्स बना के। तो दोनों गमलों के लिए एक एक टुकड़ा हो चुका है मेरा, देखिए, जिससे हमारी मिट्टी भी नहीं निकलेगी और ड्रेनेज भी अच्छे से हो जाएगा। तो तैयार है यहाँ पे हमारा प्लास्टिक का पॉट अच्छे से। अब हम इसमें हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से डाल देंगे। इस मिट्टी में पहले से ही मेरा कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। आप जब भी मिट्टी बनाए उसमें कंपोस्ट या सैंड की थोड़ी सी मात्रा डालें, जिससे प्लांट को ग्रो होने में आसानी हो। तो मिट्टी अच्छे से हम पहले गमले में भर लेंगे डायफनबेकिया के लिए। तो दोस्तों, डायफनबेकिया एक ऐसा प्लांट है जिसे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। उसकी जो स्टेम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी पानी ही भरा हुआ होता है और सीधी धूप उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिससे उसके प्लांट है वो एकदम सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसे शेड में रख सकते हैं, शेड में भी उसे धूप नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं या कहीं भी छांव वाली जगह पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे इंडोर रखते हैं, घर में किसी कोने में रखते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ट्यूबलाइट की रोशनी या 2 से 3 घंटे बाहर की रोशनी मिले ऐसी जगह पे, ऐसे कोने में हमें इस प्लांट को रखना है। डायरेक्ट सनलाइट हमें नहीं देना है और गमले की मिट्टी एकदम सूखने पर ही हमें इसमें वाटरिंग करना है। चाहे 2 दिन हो 3 दिन हो, पर एकदम वाटरिंग हमें नहीं करना है। ओवर वाटरिंग से बिल्कुल जल्द ही ख़त्म हो जाता है पौधा हमारा, और एकदम इजी ग्रो होने वाला प्लांट है दोस्तों। मैंने यहाँ बस उसके जो मेन प्लांट है उसमें से ये एक कटिंग लाई हूँ। आप चाहे तो मेन कटिंग्स में से भी एक बीच की जो मोटी डंठल होती है उसको कट करके लगा सकते हैं। तो अभी तो मैंने एकदम छोटे गमले में इसको ग्रो किया है। आप चाहे तो पहले से ही बड़े गमले का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक के डिब्बे में, किसी भी तरह के गमले में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो बस एकदम हल्के हाथों से हमें मिट्टी को आसपास दबा देना है। और दोस्तों, कभी भी आप नया प्लांट ऐड करें अपने बालकनी में, अपने पॉट में, तो उसमें वाटरिंग करना ना भूलें।
ताकि अच्छे से वो प्लांट मिट्टी में सेट हो पाए। थोड़ा तो थोड़ा पानी ज़रूर डालें और थोड़े दिन नए प्लांट को हम शेमी शेड में ही रखेंगे, छाव में ही रखेंगे। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए सनलाइट डायरेक्ट नहीं लगेगी प्लांट को। अगर आप गर्मियों में प्लांटेशन करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से नए पौधों को दूर रखें। तो तैयार है यहाँ पे हमारा डाइफन बेकिया की कटिंग, मैं आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला एट्रैक्टिव और हेल्दी प्लांट है, इंडोर प्लांट है वैसे तो, ये आपने कई बार इसे देखा भी होगा। और दोस्तों आपके पास के कोई भी नर्सरी में ये आसानी से आपको मिल सकता है, 30 या 40 रुपए इसकी प्राइस आसानी से होगी। और प्लास्टिक के पॉट्स आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, बस हमें ड्रेनेज होल का अच्छे से ख्याल रखना है। कम से कम हमें 6 से 7 ड्रेनेज होल करने ही है उसमें। तो तैयार है यहाँ पे हमारा डाइफन बेकिया का प्लांट। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।